बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं वो है हमारे लाहौरी चने जो हमने बनाने हैं। हमने ये चने जो है वो थोड़े डिफरेंट टाइप की बनाने हैं। हमने इसमें अंडे, बादाम, मक्खन सब कुछ डालना है, क्योंकि ये सब कुछ डालने के साथ ही ये मज़े के बनते हैं। ये खाली चने बिल्कुल मज़े के नहीं बनते, जिसमें आप मक्खन भी नहीं शामिल करते, बादाम भी नहीं शामिल करते, अंडे भी नहीं शामिल करते। सबसे पहले हमने इसमें ऑयल लेना है। ये हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, क्योंकि हमने इसमें मक्खन ऐड करना है। ये हमने हमारा 100 ग्राम ऑयल है। इसमें हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज डालना है। सबसे पहले ये प्याज जब आपका सौते हो जाएगा हल्का सा, फिर हम इसमें इसके मसाले ऐड करेंगे, फिर बाद में हम चने भी ऐड करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी आपने कितने कितने कौन कौन से मसाले डालने हैं और कौन से मसाले डालने हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगी। ये हल्का सा प्याज जब लाइट ब्राउन होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे प्याज का कलर बहुत प्यारा सा लाइट ब्राउन हो गया, ये देखें। आपने इससे ज़्यादा नहीं करना, वैसे तो चनों में जितना भी हो कोई बात नहीं, क्योंकि चनों का कलर तो डार्क ही थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो तो लाइट नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो उसकी ग्रेवी से डार्क हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। इस मौके पर आपने इसमें पहले तो घर के मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले आपने इसमें 1 टेबल स्पून लाल कुटी मिर्च शामिल करनी है, 1 टीस्पून आपने इसमें काली मिर्च शामिल करनी है। ये हमारे पास गरम मसाला जो हमने हाफ टी स्पून लिया। अच्छा, ये हमारे पास है जीरा पाउडर, ये हमने 1 टीस्पून लिया। और ये हमारे पास सूखा धनिया था, इसको हमने पहले हल्का सा ब्राउन किया फिर हमने इसको पीसा, ये भी हमने 1 टीस्पून लिया। और उसके बाद हमने ये मसाला डाला डब्बे वाला, ये हमने डाला है 2 टेबलस्पून। इसमें हमने नमक इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि जो डब्बे वाला मसाला होता है ना उसमें नमक होता है, तो वो हम बाद में टेस्ट करके शामिल करेंगे, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो तेज़ नमक अच्छा नहीं लगता मसालों में। और ये साथ मैंने हाफ से भी कम टेबल स्पून चने हल्दी ली है। अब आपने हल्का सा पानी का खट्टा लगा के तो आपने इस मसाले को भूनना है। ये जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ ये हमने 2 टिन पैक लिए हैं, हमारे यहाँ पे बॉयल टिन पैक मिलते हैं। ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा भून रहा है, आपने बिल्कुल इसी तरीके से मसाला भूनना है। और फिर आपने इसमें चने शामिल करने हैं। ये देखिए हमारे पास ये चने हैं वाइट, 2 टिन पैक थे चनों के, ये आपने इसमें शामिल करने हैं। साथ आपने इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल के इसको खूब पकाना है, ताकि मसाला जो है ना वो चनों में अच्छी तरीके से शामिल हो जाए। पानी आप बाद में चेक कर लीजिएगा जब आपके चने हल्के हल्के तैयार होना शुरू होंगे कि आपको ज्यादा पानी की जरूरत है या नहीं। ये देखिए अब आप इसको मीडियम हीट पे थोड़ी देर पकने दें, आधा घंटा घंटा पकने दें मीडियम हीट पे। ज़्यादा जल्दी होगी तो फिर तेज़ आंच पे पका लीजिएगा, लेकिन मीडियम हीट पे इसको पकाने से इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा मसालों का जो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ये देखिए चने हमारे इतने अच्छे तैयार हो रहे हैं। इसको आपने लो हीट पे पकाना है ताकि इसका जो मसाला है वो अच्छे तरीके से इसमें रच जाए। जब आपके चने इस तरह हो जाएंगे तो आप थोड़े से चनों को हल्का सा ना मैश भी कर लीजिएगा, फिर वो ग्रेवी में ना बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखिए इतने अच्छे से रेडी हो रहे हैं। हमने इसको टेस्ट कर लिया था, थोड़ा सा नमक हमें कम लगा था तो हमने शामिल कर लिया था। आपने भी टेस्ट कर लेना है, आपको नमक कम लगे तो आपने शामिल कर लेना है, मसाला कम लगे तो आपने हाफ टी स्पून डाल लेना। लेकिन वैसे आप जितना मसाला मैंने आपको बताया 2 टेबल स्पून वो इनफ है, उसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने अंडे बॉईल कर लिए और इसको हमने बाउल में निकाल लिया। आपकी मर्जी, आप चाहे तो चनों में भी डाल सकते हैं, बाउल में भी डाल सकते हैं। तो आप चने बाउल में डालेंगे तो अंडे उसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन ये आपने ये आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी डालें। ये हमने बादाम ले लिए थे, हमने इनको भिगो लिया था, भिगो के हमने इसके छिलके उतार लिए। इस मौके पर आपने ये बादाम चनों के अंदर शामिल करने हैं ताकि बादाम भी अच्छे से हो जाए। ये देखिए इस मौके पे आपने इसमें ये शामिल करके
जब आपने चने एंड पे बंद करने हैं ना, तब इसमें हल्की सी ग्रेवी आपने फिर भी रखनी है। अभी तो ये पक रहे हैं, अभी आप इन्हें मजीद अच्छे तरीके से पकने दें। ये चने हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं, इसकी ग्रेवी भी ये देखिए इस तरह की ग्रेवी। अब हमने इसको बाउल में निकालना, अंडे हमने इसमें पहले ही डाल लिए थे। ये हमारे पास मक्खन है 100 ग्राम, ये भी हमने इसमें ऊपर से शामिल करना है। और ये चने आपके मक्खन वाले बादाम डाल के रेडी हो गए, आपने भी इस तरीके से ही बनाने हैं। ये मक्खन इसमें खुद ही मेल्ट हो जाएगा क्योंकि ये चने बहुत ज़्यादा गर्म है। आपने भी इस तरीके से ट्राई करना है, हमें फीडबैक देना है। मेरी तरफ़ से आपको अल्लाह हाफिज़।